पढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए घर से भी निकलना पड़ता है कि आपको आगे क्या करना है. अच्छा कॉलेज मिल रहा है, घर के बाहर जाओ, आगे अच्छे से पढ़ाई करो. लेकिन आप अपने खुद का प्रूफ करोगे ना तो आपके पेरेंट्स भी अलाउ करेंगे कि हाँ मैंने अच्छा करके दिखाया मम्मी पापा, आप मेरे को घर के बाहर भेजो, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी आपको. मेन बात है आप कितनी शिद्दत से, कितनी रेगुलरिटी से पढ़ाई कर रहे हो, कितनी सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो. ये नहीं कि दिमाग में कहने को तो हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है कि यार टाइम पूरा कब होगा, फ्रेंड के पास जाना है. देखो कि हाँ क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल रहती हैं. प्लस टू में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर यही दो ऑप्शन हैं, बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल रहती हैं. आप लोग वो अभी बोल दिया जाए, सब बैठे हो गए, फैशन पर कुछ बोलना है, शॉपिंग पर बोलना है, सब बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. अब लोग मजे किसी एक को खड़ा करके बोल दिया जाए, बाकी सब लोगों के सामने बोलो, नहीं बोल पाओगे. क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है. बच्चों का जो बेसिक एजुकेशन है वो स्कूल लेवल से ही मिलती है, तो स्कूल लेवल पर ही हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि आगे फ्यूचर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, ताकि वो शुरुआत में स्कूल लेवल से ही उस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपना एक रोड मैप बना सकें. सत्य कॉलेज में हम बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं ताकि जो हमारे रूरल एरिया के जो बेल्ट है, इस बेल्ट को हम इन बच्चों को हम डेवलप कर सकें, इनको पढ़ाई के साथ जोड़ सकें. तो इस तरह की चीज़ें करवा रहे हैं ताकि उन बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ हो सके. सत्य कॉलेज का मिशन और विज़न एक ही है, हम चाहते हैं कि सत्य कॉलेज अगर आगे बढ़े तो सत्य कॉलेज सभी को साथ लेकर आगे बढ़े, और सत्य कॉलेज एक नेशन बिल्डिंग के जो एक विज़न है उसको लेके चल रहा है, जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में बहुत बड़ा है और बहुत ज़रूरी भी है. कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन है और फिर उसके बाद उनको काउंसलिंग दी जा रही है, जो कि वास्तव में सरकारी स्कूलों को ऐसे कम ही चांसेस मिलते हैं. बच्चों में जो टैलेंट है उनका, अपना जो एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो उसको सर्च करने के लिए आपने जो एक आयोजन किया है इस प्रोग्राम का, वो बहुत ही अच्छा है और ये एक अच्छा माध्यम भी है. हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए नए नए लोग हैं सारे, मिलने जुलने का मौका मिला. सत्य कॉलेज ने जो कुछ किया, आज मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ फील्ड में. आगे हम कोई भी कुछ भी स्टेट में जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. यहाँ जब आए तो बहुत नॉलेज मिली. हम जब यहाँ पर आए थे उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था कि हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आके बहुत नॉलेज गेन की है. इन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपने टारगेट पे फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, उस कंसंट्रेशन से अपने टारगेट को आगे फॉलो कर सकते हैं और सब कुछ अचीव कर सकते हैं.